नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। आईसीसी T20 विश्व कप के 28वें मुकाबले में भारत और न्यूजीलैंड आमने सामने थी। यह मुकाबला दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम दुबई में खेला गया। इस मुकाबले में न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने टॉस जीता था और भारत को पहले बल्लेबाजी थमारी थी। पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत बेहद खराब रही थी और ईशान किशन और केएल राहुल की जोड़ी टीम इंडिया को अच्छी शुरुआत दिलाने में नाकाम रहे थे। ईशान किशन जल्दी ही वापस पवेलियन लौट गए और इसके बाद केएल राहुल भी ज्यादा कुछ खास नहीं कर पाए। टीम इंडिया के दो विकेट जल्दी गिर गए थे। यहां से विराट कोहली और रोहित शर्मा की जोड़ी पर टीम इंडिया को बहुत सारी उम्मीदें थीं, लेकिन इस मैच में दोनों ने ही दगा दे दिया। इसके बाद तो मानो जैसे विकेटों का पतझड़ लग गया। टीम इंडिया ने इस मुकाबले में बेहद शर्मनाक प्रदर्शन करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 110 रन ही बना पाई। टीम इंडिया के लिए इस मुकाबले में 100 रन बनाना जैसे पहाड़ जैसा काम हो गया था। टीम इंडिया के धुरंधर बल्लेबाज जिनकी दुनिया भर में तूती बोलती है, इस मुकाबले में एक एक रन बनाने के लिए संघर्ष करते रहे। पूरी पारी में टीम इंडिया की तरफ से सिर्फ 2 ही छक्के लगे। सबसे खास बात तो ये रही कि 7वें ओवर से लेकर 16वें ओवर के बीच में तो एक भी बाउंड्री तक नहीं आई। टीम इंडिया की तरफ से सर्वाधिक स्कोर रविंद्र जडेजा ने बनाए, जिन्होंने 19 गेंदों पर 26 रन बनाए, जिनके दम पर टीम इंडिया 110 के पार पहुंच पाई। वरना 100 रन बनाने में भी टीम इंडिया की हालत खराब हो गई थी। केएल राहुल 16 गेंदों पर 18 रन, ईशान किशन 8 गेंदों पर 4 रन, रोहित शर्मा 14 गेंदों पर 14 रन, कोहली 17 गेंदों पर केवल 9 रन, ऋषभ पंत 19 गेंदों पर 12 रन, हार्दिक पांड्या 24 गेंदों पर 23 रन बनाकर टीम इंडिया की लाज डुबोकर चले गए। न्यूजीलैंड ने इस दौरान धमाकेदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया। ट्रेंट बोल्ट ने 4 ओवर में 20 रन देकर 3 विकेट लिए। इसके अलावा शोडी ने भी 4 ओवर में 17 रन देकर 2 विकेट लिए। टिम साउदी और एडम मिलने को भी एक एक विकेट मिला। टीम इंडिया के लिए करो या मरो का मुकाबला था, लेकिन अहम मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों ने दगा दे दिया। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।